स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल का मैसेज क्लियर है। गुजरात में बीजेपी 32 साल तक सरकार में रहने वाली है, यानी लगातार सातवां चुनाव बीजेपी जीतने वाली है। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि गुजरात में अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, पाटीदार, सवर्ण, सारे बड़े वर्गों ने सिर्फ बीजेपी को ही चुना है। विपक्ष पहले दिन से एंटी इनकम्बेंसी की बातें कर रहा था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में सरकार विरोधी लहर नहीं थी, सिर्फ एक ही लहर थी, वो है मोदी लहर। हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर नेता कौन? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान में चुनाव जीतने का किंग कौन? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा कौन? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। चुनाव दर चुनाव, साल दर साल, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, नरेंद्र मोदी। चुनाव जीतने की मशीन मोदी, सबसे बड़ा पॉलिटिकल विनर मोदी, सबसे बड़ा राजनीतिक बाजीगर मोदी। एक ज स्वर संभळा, एक ज वात संभळाय, लोकोना मुखे थी एक ज वात निकले छे, फिर एक बार। गुजरात में फिर एक बार मोदी की ही सरकार आ रही है। इंडिया टीवी मेटराइज के एग्जिट पोल से यह साफ हो गया है कि 27 साल के बाद भी बीजेपी ही जीत रही है। गुजरात की 182 सीटें, भाजपा 112 से 121, क्लियर मेजोरिटी की सरकार, कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार, 51 से 61 कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 पर थी, और अन्य एक से सात सीटें, अन्य एक से तीन सीटें जीत सकती है। तो आप देखें, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपनी 2017 की 99 की सीटों में कम से कम 13 सीटें जोड़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ये मैक्सिमम की ओर जाता है तो 23 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी 2017 की तुलना में ज़्यादा जीत सकती है। 112 से 121 सीटें गुजरात की 182 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही, यानी इस चुनाव में कोई बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 27 साल बीजेपी सरकार के बाद हमारा एग्जिट पोल का अनुमान है अगले 5 वर्षों के लिए और गुजरात की जनता
बीजेपी को मैंडेट दे सकती है। और जो वोट शेयर है उसमें भी भारी इजाफा हो रहा है, 49% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, 40% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 9% अन्य के खाते में, 2% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर यही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं 27 सालों की, और एक बार फिर से जनता बीजेपी के कामों पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। यानी एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें विरोधी कर रहे थे वो धरी की धरी रह गई। अनुमान तो पहले से ही लग रहे थे, लेकिन अब तो एग्जिट पोल ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि मोदी के करिश्मे के आगे कोई नहीं टिकता। 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी हर इलाके से जीती है। कच्छ सौराष्ट्र के उस इलाके से भी जहां पिछली बार पाटीदार आंदोलन की वजह से कांग्रेस से पीछे रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी इन 54 सीटों पर 49% वोट हासिल कर सकती है, कांग्रेस 40% वोट ले सकती है, आम आदमी पार्टी को 9% वोट मिल सकता है और अन्य को 2% वोट जा सकता है। यानी सौराष्ट्र कच्छ में जो बात बीजेपी कहती आई है कि टक्कर उसकी और कांग्रेस के बीच की है, आम आदमी पार्टी उतना बड़ा प्लेयर नहीं है, 9% पर आम आदमी पार्टी है, 49 और 40 पर बीजेपी और कांग्रेस सीटें। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इन 54 में से बीजेपी 33 से 37 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 15 से 19 सीट जीत सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीट हासिल हो सकती है सौराष्ट्र और कच्छ में, और अन्य को कोई सीट यहां पर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता यहां खुलता दिखाई देता है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी सौराष्ट्र कच्छ में बनकर उभर कर सामने आ रही है, जहां पर 33 से 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। इसके 15 से 19 सीट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी 1 से 3 सीट मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। 12 सीटें पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती दिखाई देती हैं और कांग्रेस पार्टी की 14 सीटें घट सकती हैं इस बार सौराष्ट्र कच्छ में। आम आदमी पार्टी पिछली बार चुनाव में नहीं थी, इस बार 1 से 3 सीटें जो है आम आदमी पार्टी भी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण गुजरात में क्या कहता है वोट शेयर, आइए बता देते हैं। सबसे पहले वोट शेयर बीजेपी का 52% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस 35% वोट शेयर, यानी लंबा गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी भी 12% वोट शेयर यहां पर हासिल कर सकती है और अन्य की तरफ भी 1% वोट शेयर जा सकता है। ये दक्षिण गुजरात की बात कर रहे हैं जहां पर 35 सीटें हैं और इन 35 सीटों में अगर वोट शेयर का बंटवारा देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर भी बन रही है। अब ये सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है वोट शेयर ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 22 से 26 सीटें यहां पर जीत सकती है 35 सीटों में से, जबकि कांग्रेस 4 से 8 सीटों पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 3 से 5 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दक्षिण गुजरात जहां 35 सीटें हैं, बीजेपी को यहां फायदा हो रहा है, लीड सिचुएशन में है बीजेपी, और किसको कितना नुकसान हो रहा है ये आप देखिए। 1 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, पिछली बार से कंपैरिजन करेंगे तो 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 4 सीटें उनको मिल सकती है, यानी 4 सीटें गेन कर रहे हैं वो। सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान हुआ था, बीजेपी को यहां फायदा हो रहा है। दूसरे चरण में आज जिन 93 सीटों पर वोट डाले गए उनमें उत्तर गुजरात की 32 और मध्य गुजरात की 40 सीटें भी शामिल हैं, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बंपर फायदे में है। अब अगर उत्तर गुजरात की 32 सीटों का हम जिक्र कर लें तो उसका वोट शेयर आपके सामने पहले रखते हैं। बीजेपी 49% वोट हासिल कर सकती है उत्तरी गुजरात में, कांग्रेस पार्टी 40 सीटें और आम आदमी पार्टी को 40% वोट, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को 1% वोट, आम आदमी पार्टी को 4% वोट अदर्स को मिल सकता है अन्य को। तो बीजेपी यहां पर भी आप देखिए हाफ वे फिगर पर खड़ी हुई है 49% वोट के साथ, कांग्रेस 40% वोट के साथ। यहां पर उत्तर गुजरात में 32 सीटें आती हैं और यहां आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कांटे की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, 3% वोट का फर्क है। आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में कोई बड़ा प्लेयर नहीं बन पाई है और 49% वोट बीजेपी जीत सकती है, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को यहां पर हासिल हो सकता है। उत्तर गुजरात की बात कर रहे हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और सीटें ये बता रही हैं कि बीजेपी 16 से 20 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 12 से 16 सीटें जीत सकती है, आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी और अन्य के लिए भी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। यानी सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है।
कांग्रेस अच्छी फाइट देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 12 से 16 सीट कांग्रेस यहां पर जीत सकती है। बीजेपी की बात करें तो 16 से 20 सीटें बीजेपी जीत सकती है, और मध्य गुजरात की जो बाकी बची सीटें उनका सर्वे भी आपके सामने अब रख रहे हैं हम। यहां पर 52% वोट बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 42%, आम आदमी पार्टी को 3% और अन्य को भी 3%। तो वोट शेयर से काफी कुछ जो है आपके सामने क्लियर हो गया होगा। बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है काफी हद तक आसान नजर आ रहा है। इन बाकी बची सीटों में मध्य गुजरात की भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाती है। वोट शेयर में 42% पर कांग्रेस पार्टी है, 3% आम आदमी पार्टी जो है वो जीत सकती है मध्य गुजरात की। इन 40 सीटों में से 26 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है मध्य गुजरात के बाकी जिलों में। अहमदाबाद के अलावा कांग्रेस 6 से 10, आम आदमी पार्टी इन 40 में से 2 सीटें, यानी मैक्सिमम 2 सीटें जीत सकती है, और अन्य को 2 से 4 सीटें मध्य गुजरात की इन 40 सीटों में मिल सकती हैं। ये वो 40 सीटें हैं जो अहमदाबाद के अलावा बाकी और जिलों में आती हैं। अहमदाबाद की 21 सीटों पर भी आज वोटिंग हुई है। ये सीटें बहुत अहम हैं, इसीलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 2-2 बार रोड शो किया था। इंडिया टीवी मेटराइज का एग्जिट पोल बता रहा है कि मोदी को रोड शो का फायदा हुआ है। अहमदाबाद की 21 सीटों का एग्जिट पोल आपको अब दिखाते हैं। पहले ये मध्य गुजरात में ही आती है सीटें, 21 सीटें। तो यहां वोट शेयर में आप देखें तो अहमदाबाद रीजन में 52% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी से 10% ज्यादा। 42% कांग्रेस पार्टी को अहमदाबाद रीजन में वोट मिल सकता है 21 सीटों पर। आम आदमी पार्टी को मात्र 3% और अन्य को भी 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब ये सीटों में कैसे कन्वर्ट होता है प्राची, आप बताएं। बिल्कुल, देखिए वोट शेयर में तो बीजेपी आगे है, लेकिन सीटों में भी बीजेपी आगे है। 14 से 16 सीटें 21 में से बीजेपी हासिल करेगी, कांग्रेस 5 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी अहमदाबाद में, और अन्य के लिए भी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। यानी मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ती हुई सबसे बड़ी पार्टी बनेगी अहमदाबाद में। यानी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की लगातार 7वीं बार सरकार बन रही है। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी अब 32 वर्षों तक रहेगी। सवाल यह है कि गुजरात के लोगों पर बीजेपी या मोदी ने ऐसा क्या जादू किया कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही जिता रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है। क्या है इस मोदी मैजिक का राज? मोदी को हर तबके का वोट मिला है और यही उनकी सफलता का राज भी है। पटेल हूं, आदिवासी हूं, दलित हूं या फिर सवर्ण, मोदी को हर तबके का वोट मिलता दिख रहा है। पटेल वोट लेवा पटेल, कड़वा पटेल दो समुदायों में बटा हुआ है, और लेवा पटेल कुल पाटीदार समुदाय का 80% होते हैं। तो यहाँ आप देखें बीजेपी 53% वोट हासिल करती है लेवा पटेल समुदाय में, 37% कांग्रेस पार्टी, 5% मात्र आम आदमी पार्टी, जिसे प्रिडोमिनेंटली पाटीदार समर्थक पार्टी माना जा रहा है गुजरात के अंदर, उसे 5% पाटीदार वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 5%। तो बीजेपी यहां पर आगे दिखाई देती है, काफी आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से भी। तो ये आपके सामने कड़वा पटेल समुदाय के वोट पैटर्न का एक आंकलन है, और इसमें बीजेपी आपको सबसे आगे दिखाई दे रही है। एक डोमिनेंट समुदाय है पटेल समुदाय गुजरात का, कई सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर भी है, और उसमें बीजेपी आपको अपने कॉम्पिटिशन से काफी आगे नजर आएगी। अब मैं आदिवासी वोट की बात हम कर लेते हैं। 49% तक ये वोट देखिए बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 42% और आम आदमी पार्टी को मात्र 2% ये वोट जा सकता है, और इनको 7% आदिवासी वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। एक पूरी बेल्ट है जिसमें आपको आदिवासी समुदाय के लोग रहते हुए नजर आते हैं गुजरात के अंदर, और काफ़ी प्रतिशत है उनका, और उसमें अगर बीजेपी इतना अच्छा कर रही है तो बाकी माना जाना चाहिए कि इस बार बीजेपी सभी क्षेत्रों में और सभी समुदायों के बीच में अपनी अच्छी पैठ बनाने में कामयाब हुई है। इसी के साथ साथ दलित वोट की बात भी कर लें, यहाँ भी आपको बीजेपी आगे दिखाई देगी। 48% तक भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट गुजरात में मिल सकता है हमारा अंदाजा है, कांग्रेस को 41%, आम आदमी पार्टी को 7% तक दलित वोट मिल सकता है, और अन्य को 4% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस वोट की बात करते हैं जो माना जाता है कि बीजेपी को प्रेफर करता है, सवर्ण वोट, अगड़ी जाति जिनको हम कहते हैं, तो उसमें आप देखिए 49% तक ये वोट जो है सवर्ण वोट ये बीजेपी को हासिल हो सकता है गुजरात में, 41% तक इस समुदाय में या अगड़ी जातियों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेफरेंस है, आम आदमी पार्टी को 8% अगड़ा वोट मिल सकता है और अन्य को 2%।
गुजरात के सवर्ण वोट का आप देख रहे हैं डिविजन, गुजरात में किस तरीके से होता हुआ हमें दिखाई दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।